Good evening, good evening. Good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening. गुड इवनिंग सौरभ गोयल गुड इवनिंग आज ई के रिजल्ट आए हैं और हमारे यहां से दो फाइनेंशियल सर, फाइनल सिलेक्शन हुए हैं उसमें से और हम ये कहते हैं कि जो सतत प्रयास करते हैं जो बच्चे हमारे यहां सतत प्रयास करते हैं वो पास होते हैं और बेवाल क्लासेस की सक्सेस रेट बहुत अच्छी रेट है उसकी जीके भी मैंने कराई थी इसलिए जीके हर एग्जाम के अनुसार उसके पैटर्न के अनुसार हम कराते हैं आने वाली एग्जाम आईपीबीएस की है अभी आईपीबीएस के अनुसार चल रहा है एसबीआई के है उसके अनुसार चल रहा है आज जो मैं लेके आया हूं आपके लिए वो स्टैटिक जीके लेके आया हूं और स्टैटिक जीके का पार्ट आजकल ज्यादा आने लग गया स्टैटिक जीके होती क्या है इसमें आपके पार्क्स आते हैं करेंसी आती है कैपिटल आती है कुछ सम्मान आते हैं कुछ अवार्ड्स आते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स आते हैं कुछ हेडक्वार्टर्स आते हैं और आज की जीके में संभावित स्टैटिक जीके के संभावित प्रश्न मैंने कवर किए हैं। तो ये स्टैटिक जीके का आज डे फाइव फागा सीरीज का डे फाइव आज हम चालू कर रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है पहला क्वेश्चन आज का आ रहा है Who has been named India's न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन देखिए अपॉइंटमेंट तो ये पिछले अप्रैल के बहा में हुआ था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और इसलिए इसमें एक क्वेश्चन में भी तीन क्वेश्चन है तो आपको बताना इसमें अभी हमारा यूएन में रिप्रेजेंटेटिव कौन है आपको है यूएन में एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है जनरली वो फॉरेन सर्विसेज के होते हैं तो कौन इसमें से हमारा परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव है यू हैव टू आंसर दिस और आशीष बंसल का जवाब आ चुका है और भी बच्चों के आंसर्स आने बाकी हैं। और आपको पता है इसमें तरण जी संधु तो हमारे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है एम्बेसडर यूएसए में तरणजी संधु ये भी प्रश्न आ सकता है इसमें से तो तरण जी संधु ये तो हमारे यूएसए में एम्बेसडर है आपको बताना इसमें से और आपका आंसर आया है टी एस तिरुमूर्ति एस त्रिमूर्ति आपका आंसर सही है सरिता सोनिया आपका आंसर सही है टी एस त्रिमूर्ति टी एस हमारे वर्तमान में पहले कौन थे पहले ये थे सैयद अकबरबद्दीन सैयद अकबरुद्दीन पहले थे उनकी जगह लिए टी एस मूर्ति ने और ये हमारे यूएसए में एम्बेसडर है तो यूएसए में एम्बेसर जो है वो सुशील जाट ने बताया वो थोड़ा गलत हो गया आपका चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का है व्हाट इज कैपिटल ऑफ अर्जेंटाइना अर्जेंटाइना आपको पता है फुटबॉल की टीम वहां की प्रसिद्ध टीम है और इसलिए यस माधुर सिंह गुड इवनिंग गुड इवनिंग आपको आंसर देना इसमें कैपिटल का और ये कैपिटल आपको बतानी है बताइए आपकी अर्जेंटाइना की कैपिटल कई बार आ चुकी है कैपिटल और आपका आंसर आ रहा है गौरव सोनी सुशील जाट आपके आंसर सही आए हैं यूनस आयर्स यूनस एयर्स कई बार कई एग्जाम में आ चुकी है अंकरा टर्की की है ये टर्की की है ये टर्की की है बाकू ये पता आप दो युद्ध हुए थे बहुत बड़े अजरबैजान और आर्मेनिया इनमें दो युद्ध हुए थे इसलिए बहुत चर्चा में रहे थे ये अजरबैजान की है ये है अजरबैजान की अजरबैजान और ये आपकी आर्मेनिया की है अब इसमें से ये भी आ सकती है ये भी आ सकती है ये भी आ सकती है और टर्की ने इनकी मदद की थी इसलिए मैंने ये प्रश्न में डाला है टर्की ने अजरबैजान को मदद की थी अजरबी को तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू एक प्रश्न में चार प्रश्न होते हैं सब और इसलिए कैपिटल का प्रश्न अगर आता है तो इनमें से आएगा और इसके अलावा एक और प्रश्न मैंने डाला है ऑस्ट्रिया की कैपिटल और यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार जल्दी में ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको बतानी है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है यह आपको बतानी है ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है इसमें से ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है और यूरोप के देशों में से इसकी राजधानी आपने बताई डी और ये आपका आंसर सही है डी आंसर आपका सही है लेकिन आपको यह भी देखना है कि मैंड्रिड कहां की मैंड्रिड है स्पेन की स्पेन की लिस्बन कहां की पोर्टुगाल की पुर्तगाल ये पुर्तगाल की है और ओस्लो कहां की है ओस्लो नॉर्वे की है ऑस्लो नॉर्वे की नॉर्वे की ये सारे आपको बताया ये ये देश भी यूरोपियन कंट्रीज है तो इसमें से भी तीन चार प्रश्न आ गए एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आपको कैपिटल का व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क कई बार आ चुकी है डेनमार्क डेनमार्क की कैपिटल क्या है और डेनमार्क की कैपिटल है डेनमार्क की कैपिटल आपको बतानी है बताइए डेनमार्क की कैपिटल क्या है आपका आंसर आना बाकी है डेनमार्क की कैपिटल क्या है डेनमार्क में दूध सबसे ज्यादा होता है वैसे तो अब इंडिया में होता है एक टाइम पे डेनमार्क में होता था और यहां पर पर्यावरण का सम्मेलन भी हुआ था क्लाइमेट इसका तो आपका आंसर आ गया है और आपके आंसर सही आ रहे हैं आज मुझे लगता है आप सब पास होंगे हंड्रेड परसेंट बहुत अच्छी तैयारी है देखिए व्हाट इज कैपिटल ऑफ डेनमार्क आंसर सी लेकिन ओटावा कहां की है ओटावा कनाडा की है बर्न कहां की है बर्न स्विट्जरलैंड की है स्विट्जरलैंड की राजधानी में गलतियां होती हैं स्विट्जरलैंड की जिनेवा कर देते हैं बच्चे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड में जो ऑप्शन आती है वो जिनेवा आ जाती है बैसल आती है तो आपको स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है स्टॉकहॉम कहां की है ये स्वीडन की है स्टॉकहॉम स्वीडन की राजधानी है तो ये राजधानी में से ये प्रश्न आते हैं और एक और आपको मैं बता देता हूं यहीं पर म्यांमार की राजधानी क्या है म्यांमार म्यांमार की राजधानी आपको बतानी है नेपिताओ म्यांमार की राजधानी नेपिताओ एक और आती है आपकी मलेशिया की मलेशिया की राजधानी कोलारामपुर है कोलारामपुर कोलारामपुर और एक बार है आज थी साउथ कोरिया की सियोल सियोल साउथ कोरिया की है तो ये आपकी राजधानियों के तीन चार प्रश्न हैं इनमें से कोई प्रश्न आ सकता है एक बार ऐसा भी आया था मैक्सिको की राजधानी क्या है तो देखना मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है ही पनामा की राजधानी है तो पनाका में राजधानी भी पनामा सिटी है सिंगापुर की राजधानी क्या है वो भी सिंगापुर है तो कुछ ऐसे भी नाम आते हैं जो वो ही सेम ही नाम आते हैं अब जीके का एक प्रश्न आ रहा है वो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपको बताना वर्ल्ड का टालेस्ट मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज कौन से देश में है आपको बता है विश्व का टालेस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट ब्रिज कहां बना है आपको है इसकी ऊंचाई 359 मीटर है 359 मीटर इस ब्रिज की ऊंचाई 300 सठ मीटर है मीटर ये ब्रिज कहां है और ये ब्रिज आपका इंडिया में आपने बताया इंडिया में और इंडिया में कौन सी नदी पे बना यह भी प्रश्न आ सकता है कौन सी नदी पे पूनम मुखर्जी बेटा ये हमारे इंडिया का है इंडिया में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था आपको बताना है नहीं चाइना नहीं है इंडिया है इंडिया का है चेना नदी पे बना है चेनाब चेना, चेना हमारे इंडिया में चेनाब इंडिया का है ये ब्रिज ये आपका इंडिया का ब्रिज है तो ध्यान रखना ये भी प्रश्न आ सकता है तीन सौ थ्री फिफ्टी नाइन थ्री फिफ्टी नाइन मीटर हाई ये इसकी हाइट है और जम्मू एंड कश्मीर में आपको बताया ये ये जो चिनाब नदी है जम्मू एंड कश्मीर में और ये ब्रिज जोड़ता है बाकल और कौरी बाकल और कौरी को जोड़ता है डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है ये तो चलिए क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन नंबर खेल में से भी एक प्रश्न आता है और खेलों में सबसे बड़ा अवार्ड है खेल रत्न जिसका पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था राजीव गांधी खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था पहले अब उसका नाम है खेल रत्न अवार्ड और देश का सबसे बड़ा अवार्ड यही है देश का सबसे बड़ा अवार्ड यही है और आपके आंसर आने लगे हैं मुझे बड़ा उत्साह होता है जब आपके आंसर सही आते हैं आई एम रियली डिलाइटेड टू सी योर आंसर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है आपको बताया ये खेल रत्नवान दिए गए थे इसमें हॉकी का दिया था इसमें टेबल टेनिस का दिया था क्रिकेट का दिया था रेस्टलिंग का दिया था हॉकी का रानी पाल को दिया था हॉकी का रानी पाल को दिया था क्रिकेट का रोहित शर्मा को गीके दिया था क्रिकेट का रोहित शर्मा को दिया था।, था और रेसलिंग का रेसलिंग का आपको तो पता है विनेश फोगट को दिया गया था तो विनेश फोगट यह है विनेश फोगाट, क्रिकेट रोहित शर्मा और हॉकी रानीपाल तो इसका आंसर हुआ बी जो आपने दिया है टेबल टेनिस वेरी गुड मीना वेरी गुड तो ये आपका ये प्रश्न भी आ सकता है खेल में से एक प्रश्न आता है आज वो के वो प्रश्न बना के लाया हूं जो आपके स्टैटिक जीके में आते हैं तो स्टैटिक जीके में पहले कैपिटल हो गई उसके बाद ब्रिज हो गया और खेल हो गया अब प्रश्न आता है सात प्रश्न नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने दिया आपका फेस्टिवल्स देखिए फेस्टिवल्स आपको पता है हर एक प्रांत वाइज फेस्टिवल है जैसे पोंगल है आपको पता है अभी अभी पोंगल गया है और पोंगल के टाइम पर कई जगह इसको जो हमारे लाहौरी बनाते हैं कई जगह मकर संक्रांति बनती है कई जगह जल्ली कट्टू होता है तो आपको पता है जल्दी कट्टू भी इसी समय होता है तो ये आपका फेस्टिवल का और जल्दी कट्टू भी आ सकता है इस प्रश्न में पूछा गया है कि चेरी बॉसम माओ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है और इसका आंसर आपका आने वाला है बिल्कुल सही आ रहे हैं आज क्या बात है बहुत अच्छी तैयारी लग रही है मुझे इसका आंसर क्या है जो आपने दिया है मणिपुर वेरी गुड आंसर इज मणिपुर आंसर आपका मणिपुर है और ये मणिपुर आंसर जो आपने सही दिया है मणिपुर आंसर आपने सही दिया है देखिए ऐसे जल्ली कट्टू भी आ सकता है तमिलनाडु में जल्ली कट्टू आपको बताया बड़ी चर्चा में रहा इसको तो कोर्ट ने कई बार इस पर कोर्ट में भी केस गया था इसको किया जाए कि नहीं किया जाए करना चाहिए नहीं करना चाहिए फिर जल्दी कट्टू बरसों पुरानी कई शताब्दी पुरानी ये ये प्रथा चल रही है वहां पर तो ये भी आपको आ सकता है कर, जल्दी कट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है तलि तमिलनाडु है तो ये आपके आपको पता है, तीज कहा मनाई जाती है ये भी आपको पता है यस यह क्लास आर आर बी पीओ के लिए देख सकते हैं यस यस ये जीके सब जगह आती है ये जीके सब जगह आती है बेटा आपको मिलेगी ये बहुत अच्छी है सबको कवर कर रही है आज सारी परीक्षाओं के हिसाब से ये जीके बनाई जा रही है मल्टीपर्पज जीके प्रश्न यही आते हैं तो चलिए तो ये आपके यस तमिलनाडु जल्दी कट्टू चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपको एक इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंटरनेट एक्सचेंज बना है पूरा जिसका आप निक्सी के नाम से है। इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया 22 भाषाओं में 22 लैंग्वेजेस में लैंग्वेज ट्वेंटी टू में इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है? और ये फ्री इंटरनेट सर्विस है फ्री इंटरनेट इसका डोमेन नेम है आई डी आई डी एन इसका डोमेन आई डी एन आई डी एन प्रश्न आता है इसका हेडक्वार्टर कहा है और इसका हेडक्वार्टर आपका यस मुकेश कुमार योर आंसर इज योर आंसर इज राइट आंसर यस ए सुनिया राइट आंसर मुकेश राइट right आंसर आपका आंसर सही है तो ये भी एक लेटेस्ट क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पता है ये आपका प्रश्न आ सकता इस है इसमें कितनी भाषाएं ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है हेडक्वार्टर कितना ये भी आ सकता है या फुल फॉर्म भी आ सकती है क्वेश्चन नंबर नाइन आ, सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे लाया हूं लेटेस्ट और आपको एक प्रश्न पहले पढ़ना है आराम से और फिर इसका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग का फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पहले पढ़ना है क्योंकि एन और आरटीजीएस जो बाहर से पेमेंट जाते हैं आते हैं आपको बताया है, इसमें एक आरबीआई ने 50 करोड़ से ज्यादा के जो पेमेंट जाएंगे वो उसकी आईडी होनी चाहिए वो आईडी है जिसका नाम है एलईआई एलई आई का फुल फॉर्म क्या है एलईआई का मतलब लीगल एंटिटी आईडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर बड़ा अच्छा प्रश्न है ये या तो 100 परसेंट मेरे मेरे की मेरे को लगता है कि हंड्रेड परसेंट यह प्रश्न आना ही चाहिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने यह आदेश दिए हैं और यह आदेश पहले आए थे लेकिन इसको पोस्टपोन करते कौन सी तारीख से मैंडेटरी आपको बताना है कौन सी तारीख से यह मैं आपको बताना है इसको आपको बताना है तो आपको बताया इसमें यह भी बता देता हूं एक कोड लेना पड़ेगा जो भी लीगल एंटिटी का कोड होगा ट्वेंटी डिजिट कोड वेरी गुड कुछ बच्चों ने लिखा है ट्वेंटी डिजिट कोड ये कोड लेना पड़ेगा और उस जो रेमिटेंस आएगी जाएगी उस पर आपको कोड लिखना पड़ेगा तो ये आपका एंटीफायर तो साहब ये कहां से कब लागू होगा आपके प्रश्न के आंसर आ चुके हैं और ये एक अप्रैल 2021 से मैंडेटरी से मैं फर्स्ट अप्रैल 2022 पहले इसका टाइम बढ़ा दिया गया था उसके बाद में लास्ट ईयर सितंबर में कर दिया था अब ये लागू हो गया है क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन कर कर दो सर और मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं एलई आई का तो हिंदी क्या होगा एलई आई तो कहते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कहने का मतलब है ऐसी अका, अकाउंट होल्डर जिसका कानूनन अस्तित्व हो उदाहरण के लिए कंपनी है वो लीगल एंटिटी है तो उसको कोड मिलेगा वो कोड ट्वेंटी डिजिट का होगा उसको कोड लगाना पड़ेगा तब पता पड़ेगा ये किसने भेजा है पैसा एक चीज और बता देता हूं इसमें एक प्रश्न ये भी आ सकता है अमाउंट कितना तो 50 करोड़ से ज्यादा पेमेंट्री है फिर मैं बोल रहा हूं ये 50 करोड़ से ज्यादा पे मैंडेटरी है तो रिजर्व बैंक ने अब एन आरटीजीएस जो हमारे यहां जाएगी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 पेमेंट एंड सेटलमेंट 2007 उसके अनुसार आरबीआई ने डायरेक्शन जारी किए हैं और ये अब एक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा एक हजार दो बीस दो हजार इक्कीस से यस सर का पीडीएफ का मिलेगा क्लास की प्लीज पीडीएफ हम डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो और लास्ट ग्रुप में पहले सारे वापस डालूंगा पूरे जितनी भी मैंने कराई एक्सरसाइज लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी हंड्रेड परसेंट जो आप चाहेंगे वो मिलेगा बिल्कुल मिलेगा विश्वास रखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पास हों और जी के ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेरिट बनाएगा और इसलिए मैं इस पर पूरा जोर लगा रहा हूं कि आप पास हो ये मैं आगे का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का है आगे का क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट डेवलपमेंट है बिल्कुल दिसंबर का लेटेस्ट डेवलपमेंट है और यह है कि आपको पता है हमारे एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बनी है तो पहले तो फाइनेंशियल सेंटर क्या होता है आई एफ एस सी आई एफ एस सी इंडियन इंटरनेश सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इंटरनेशनल यस मुकेश आई नो यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ये आपको पता है इसका हेडक्वार्टर क्या है ये भी आ सकता है प्रश्न इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में इसका नया हेडक्वार्टर है तो ये सेंटर बना इसकी एक ऑथरिटी बन गई आई ऑरिटी बन गई यह ऑथरिटी का हेडक्वार्टर जो है आपका गांधीनगर में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में वेरी गुड अब यह गांधीनगर में बन गई तो इसका चेयरमैन किसको लगाया तो इसका चेयरमैन जो लगाया इंतेजी श्रीनिवास इंतेजी श्रीनिवास को इसका चेयरमैन लगाया इंतेजी श्रीनिवास को इसका चेयरमैन लगा दिया इनजेपी जेटी श्रीनिवास पांच मिनट तो ये जो है आपका अब आप प्रश्न आता है अब प्रश्न आ रहा है इसमें कि इसने अभी अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मेंबरशिप ली है अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन आपका प्रश्न इसका हेडक्वार्टर कहां तो है आपका प्रश्न इसका हेडक्वार्टर पूछा गया इसका है, था 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 था। इसका हेडक्वार्टर नहीं पूछा ध्यान रखना राहुल जादे इसका हेडक्वार्टर पूछा इसका प्रश्न पढ़िए अंतरराष्ट्रीय कमीशन वो कहा है और इसका हेडक्वार्टर आपको बताना कौन से देश में अंतरराष्ट्रीय संस्था है यस और यस क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है आपको इसलिए सही आंसर नहीं आया सही आंसर नहीं आया सही आंसर आपका नहीं आया अभी और ये सही आंसर क्या है इसका सही आंसर से ये, ये अच्छा है ये मैड्रिड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना हंड्रेड परसेंट आने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर है मैड्रिड डी देखिए मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी जेनेवा तो आपको पता है डब्ल्यू एच ओ इनके हेडक्वार्टर जेनेवा में बैसल में बैसल कमिटी का हेडक्वार्टर है जिसका बी आई एस बी आई एस का हेडक्वार्टर है बर्न तो आपको स्विटरलैंड की राजधानी है तो इसका आंसर है मैड्रिड तो आपका आंसर आपको इसमें मैड्रिड करना है मैड्रिड चलिए आगे चलते हैं एक प्रश्न कोई बात नहीं लेकिन यह हंड्रेड परसेंट आने वाले प्रश्नों में से है अब आता है क्वेश्चन नंबर इलेवन और क्वेश्चन नंबर इलेवन नया लेटेस्ट रेलवे के चेयरमैन चेंज हुए हैं रेलवे बोर्ड के और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन इतनी बड़ी संस्था इसका प्रश्न तो बनता ही है रेलवे तो के चेयरमैन नए कौन है ये आपको बताना है आपको बताया है? पहले आपके इसमें याद यादव हुआ करते वी के यादव रेलवे के नए चेयरमैन आ गए और रेलवे के चेयरमैन नए बने हैं रेलवे बोर्ड के और आपके आंसर आने लग गए हैं गौरव सैनी का आंसर आया हा सुनीता का सरिता का आंसर आ गया सुशील सुशील का आंसर भी आ रहा है और ये आंसर बिल्कुल सही है आपका सुमित सुनीत शर्मा ध्यान रखना अगर मान लो ऑप्शन में सुमित शर्मा लिख दिया सुनीत शर्मा लिख दिया तो भूल मत जाना जल्दी मत करना प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना उसके बाद में आंसर देना तो ये भी हो सकता है सुमित और सुनीत और ये सब सुनीत है तो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन जो वीके यादव की जगह ये आपके आए हैं और ये अभी ये अभी नए चैन में गए तो साहब सौरभ गोयल का भी आंसर सही है आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आज पूरे स्टैटिक जीके के प्रश्न है और ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है साहब तो बताइए देखिए आपको बताया अवार्ड में से प्रश्न आते हैं पहले आपको पता है साहित्य अकेडमिक अवार्ड आता था साहित्य अकेडमिक अवार्ड जो पिछली बार दिया गया था साहित्य का अमिताभ बच्चन को दिया गया था ऐसे अवार्ड आते आपकी बार ये अवार्ड आएगा क्योंकि ये लेटेस्ट अवार्ड है और ये अवार्ड जो है आपको तानसन तानसन तो जानते हैं आप अकबर के टाइम पर तानसन जो है नौ रत्नों में से एक हुआ करते थे नौ रत्नों में से आपकी बार तो उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड का समारोह हो, कहा होता है एमपी में मध्य प्रदेश में यह होता है मध्य प्रदेश में और यह आपको क्लासिकल आप जानते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत उसका वाला है क्योंकि तानसेन आप जानते हैं रागों के लिए जाने जाते हैं दीपक राग और ऐसे कहते हैं कि ये जब है राग गाते थे तो आग लग जाती थी ऐसी राग होती थी तो ये अवार्ड कहाँ पर है एमपी में किसको मिला है ये आपने बता दिया और ये आपका आंसर है सतीश व्यास सतीश व्यास आपको पता होना चाहिए ये संतूर वादक है संतूर संतूर बजाते हैं संतूर एक वाद है एक यंत्र है और ये सतीश व्यास इसका आंसर है तो चलिए क्वेश्चन नंबर बारह के बाद बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अवार्ड का यस yes. आगे आइए मुकेश थैंक यू वेरी मच फॉर माई अप्रीशिएशन चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपको बताइए इंडेक्स आया था और ये है इंडेक्स एच डी आई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये प्रश्न कई बार आ चुका है पर इस प्रश्न को मैंने दूसरी तरीके से पढ़ाया आपको मैंने इस प्रश्न को दूसरी तरीके से पढ़ाया बताया है आपसे पूछा है क्यों पूछा है क्योंकि हमारी रैंकिंग कम हो गई पहले से हमारी रैंकिंग क्या है सकता है कि अभियान हमारी इंडिया की रैंकिंग क्या रही अब प्रश्न आता है, नंबर वन पे कौन है तो आपने देखो इन अवार्ड में से नंबर वन पे कौन है और ये अब आने लगे हैं प्रश्न कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल सही है एक बच्चे का गलत है एक बच्चे का गलत है और ये आंसर आपका ये है नॉर्वे ये आंसर नॉर्वे इसका आंसर है नॉर्वे हा बिल्कुल सही है तो ये आपको पता है ये सारे देश आपको पता ये ये। चुटे -चुटे देश है यूरोपियन कंट्रीज है छोटे छोटे देश हैं और ह्यूमन इंडेक्स में क्या चीजें आती हैं ये भी मैं बता देता हूं तो ह्यूमन इंडेक्स में तीन चीजें आती हैं साहब तीन चीजों का मार्किंग होती है एक पर कैपिटा पर कैपिटा और आपको यहां एक चीज और पढ़ा रहा हूं मैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है तो भारत की प्रति व्यक्ति आय एक लाख पैंतीस हजार पचास रुपए है रुपीज भारत की प्रति व्यक्ति आय 2020 के डाटा के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय एक लाख पच्चीस पैंतीस हजार पचास रुपए दूसरा इसमें आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आदमी कितना जिएगा भारत में तो आपको पता है अब सिक्सटी नाइन ईयर्स की हमारी लगभग

आपकी साक्षरता आती है तो तीन चीजें आती हैं एच का प्रश्न हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से और मैं ये बता देता हूं ये प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है या तो हमारा रैंक आ जाएगा या इसमें तीन पैरामीटर आ जाएंगे और या इसमें आपका नंबर वन पे कौन सा देश है ये भी आ सकता है तो नमस्ते हेमंत नमस्ते बेटा बहुत बढ़िया बहुत है तो आपको इस प्रश्न को हालत में याद करना चाहिए और यह भी आया है प्रश्न कि ये कौन जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये यूनो का यूनाइटेड नेशंस का ही एक्सटेंशन है तो ये आपको इसमें से प्रश्न में से चार प्रश्न याद करने किसी भी फॉर्म में ये प्रश्न आ जाए ये आपको याद करना है तो साहब ये आपका जो है प्रश्न आएगा जरूर ऐसा मेरा मानना है फिर आ रहे हैं वापस हमें स्टैटिक जीके पे और फिर हम आ रहे हैं पार्क पे तो सा अब आपको बताना है और ये आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको इस सोचने का जवाब है ये प्रश्न आपको देख के सोच के जवाब देना है क्योंकि तो आपको पता है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है ये आंसर आपको देना है हेमिस नेशनल पार्क है ये आपको देना है आपको बताया आसाम में कौन सा पार्क है जो कई बार आ चुका है आसाम में से कई बार एग्जाम में आ सकता है आए है पार्क वो क्या आया है वो क्या आया है मैं जानता हूं मैंने बोला है गौरव सोच के जवाब देना आपको क्योंकि तो आपको इस का जवाब आपने गलत दिया है आपको है जम्मू एंड कश्मीर के दो टुकड़े हो गए आपको बताया जम्मू कश्मीर के दो हो गए एक जो है जे एंड के यूनियन टेरिटरी बन गया और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया और ये पार्क कहा है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है अब ये लद्दाख में है तो आने कहा था सोच के जवाब देना आ यही बात मैंने बोली थी और ये आपका इसका आंसर लद्दाख जम्मू और कश्मीर में अब नहीं है जम्मू और कश्मीर में से पहले जब एक था तो इसका आंसर था जम्मू और कश्मीर और अब हो गया लद्दाख लद्दाख जिसकी राजधानी लेह तो चलिए आपको पता है यहां से दो पार्क काजीरंगा यहां से दो पार्क आते हैं काजीरंगा और मानस यहां के दो पार्क एग्जाम में आ चुके हैं मानस और काजीरंगा काजीरंगा ये यहाँ के दो पर केरल का जो पार्क है दो हैं या तो पेरियार आता है यहां से पेरियार और या आपका यहां से साइलेंट वैली के नाम से आता है साइलेंट वैली ये केरल के पार्क है ये केरल के पास है और इसका आंसर आपको लद्दाख देना चाहिए था बाद में सही कर लिया बच्चों ने कोई बात नहीं यही तो अभ्यास की बात है और करत करत अभ्यास के कहते हैं जड़मति हो सुदान। तो सुदान देखिए अभ्यास ही बहुत बड़ी चीज है और इन प्रश्नों में बल्कि मैं कह रहा हूं पूरी एग्जाम में आपका अभ्यास ही काम करेगा तो अध्ययन और अभ्यास ये सक्सेस का मंत्र है अध्ययन और अभ्यास सक्सेस का मंत्र है जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे तो बेटा चलिए आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अगेन एज कम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अब तक आपने पढ़े हैं कि हमने कहा से लोन दिया है अब यह प्रश्न उल्टा है कि हमने किसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है देखिए आपको बताया हम छोटे छोटे देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट एक्जीम बैंक देता है पहले तो यह समझा देता हूं लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है कहने का मतलब है हमने कह दिया इनमें से एक देश को जिसका आंसर आपको देना है कि आप ये चीजें करो जैसे आप वहां रोड बनाओ आप वहां रोड बनाओ आप ट्रांसपोर्ट हो वाटर हो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो हम करेंगे और इसका पैसा हम फाइनेंस करेंगे इसका पैसा हम फाइनेंस करेंगे अगर यहां की कंपनी वहां जाके कोई काम करती है तो उसका पैसा यहां का बैंक दे देगा और वो बैंक कौन सा है एक्जिम बैंक एक्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट देता है आपको पता है लगभग 266 लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है इसमें टू लाइन ऑफ क्रेडिट अभी तक दी हुई है और ये कौन सा देश है और ये देश आपका है यस yes, आंसर सही आ रहे हैं क्या बात है उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान को पता है उज्बेकिस्तान में क्या हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है यह पता है उब्जे उजबेकिस्तान वो देश है जहां हमने प्रधानमंत्री खोया जिसकी राजधानी ताशकंद रखना और है यहां पर तो फिर भी ये देश आज बहुत नजदीक है अफगानिस्तान के बाद में उज्बेकिस्तान आता है तो ये आपका आंसर आपका आंसर सी ये सही आंसर है आपका तो आपकी इसकी राजधानी भी याद कर लेना yes, राजधानी भी याद करना चार ग्रुप और हैं जो अगले उसमें करा दूंगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान कजाकिस्तान इन देशों के भी आपको राजधानियां आ सकती है इन देशों की तो ये भी आपको वेरी गुड यस चलिए नहीं नेहरू जी नहीं यहां लाल बहादुर शास्त्री गए नेहरू जी नहीं लाल बहादुर शास्त्री गए थे और वो वहां से आए ही नहीं आपको है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री को खोया हमने और ये कब हुआ था जब 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद समझौते के लिए हम गए ताश का संदो से ये युद्ध रुका था लेकिन वो पैक्ट साइन होने के बाद में उ, हो सकता है उनको आघात हृदय आघात हुआ हो तो बहुत सारी जमीन हमने उसमें छोड़ी जो जीती हुई थी और इसलिए वो ऐसा माना जाता है कि उनको वो हार्ट अटैक हुआ है तो ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री वो लाल बहादुर शास्त्री यस मालदीव को भी दिया है बिल्कुल ठीक है राहुल जाडे आंसर इज राइट और मालदीव को भी हमने दिया और मालदीव को तो वो हमने अभी वैक्सीन भी दिए वो भी प्रश्न आपके 4 तारीख की एग्जाम में आ सकता है लेकिन सत्ताईस तारीख की एग्जाम का पेपर मैं सोचता हूं बन चुका हुआ तो ये आपका की तो आपको पता है ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज है किर्गिस्तान पास में अलबीन या आपका यूरोपियन कंट्रीज में आता है रशिया का ग्रुप के स्थाई ये सारे देश ये देश ना यो यू, यू, यूएसएसआर हुआ करता था रशियन संघ था उसमें थे ये देश फिर विघटन हो गया अलग अलग हो गए तो चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक प्रश्न आपका आर्बिट्री ऑर्बिट्री का आता है और ये इसमें ये आता है कि ये व्यक्ति किससे था जिसकी डेथ हुई है तो आपको बताया जो प्रोनाउन जो रिनाउंड व्यक्ति होते हैं जैसे अभी पोर्टेशन मोतीलाल बोरा का भी डेथ हुई है मोतीलाल बोरा कांग्रेस के जो है ट्रेजरार रहे तो ऐसे प्रश्न भी आपने देखोगा जिनको हम देहांत जिनका देहांत हुआ है वो कौन से फील्ड से कनेक्टेड थी कौन से फील्ड क्या वो पोटेशन थे या तो वो पोटेशन आते हैं या कोई पर्सनलिटी आती है कोई खेल वाला भी आ सकता है पिछली बार खेल का आ गया था एक बार जब जो है तो ये जो है आपका इंदिरा जोसिया रूपाशे वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन आपको आंसर देना है यस ऐसा मत कहो मुकेश ये आप लिख सकते हो लेकिन आप कह नहीं सकते इस बात को चलिए कोई बात नहीं है अब आप आपको प्रश्न देना है कि ये क्या थी वेनियर क्या ये अर्थशास्त्री थे क्या ये मॉडल रहे क्या न्यूज ब्रॉडकास्ट रहे क्या साइंटिस्ट रहे और ये अभी जनवरी का ही प्रश्न है अभी अभी का प्रश्न है आपको पता होना चाहिए अभी भी का प्रश्न है और ये आपको बताना है कि ये आपको पता है इनकी एज क्या थी ये इनकी एज 94, यस yes. और ये लेडी है ध्यान इंदिरा इंद्रा, इंद्रा जोसफ एनिया लेडी है 94 फोर ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है और ये केरला में ट्रावन कोर के नए थे ट्रावन कोर आपको प्रश्न बनाना बताना है कि ये क्या थे और ये क्या थे क्या ये अर्थशास्त्री थे क्या ये साइंटिस्ट थे कल भी मैंने एक प्रश्न बताया था कपानी वाला का पानी वाला प्रश्न बताया था जो ऑप्टिकल फाइबर वाले थे डेथ के प्रश्न में या तो ये आएगा ये वो आएगा तो सर ये आपको बताना है आपका आंसर आना बाकी है चलिए आपका आंसर शायद लग रहा है आपको नहीं आ रहा है और क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है आपको बता रहा है चलिए बताइए बताइए तो आपका आंसर आने बाकी आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर चलिए चलिए और मैं ही तो मैं बताता हूं इसका आंसर का जवाब और ये आंसर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स न्यूज़ ब्रॉडकास्टरी ये रेडियो ऑल इंडिया रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करते थे एक और पर्सनालिटी आपको पता है अमीन सयानी होते थे अमीन सयानी वो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एक आदेश जी जोशी होते आरदेव आरजे आदेश उनका भी आता था तो ये आपको न्यूज ब्रॉडकास्टर या ऑल इंडिया के ये वो कमेंटेटर थे तो ये आपके इस तरीके का प्रश्न आपके आ सकता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी बैंकों के हेडक्वार्टर बैंकों की टैगलाइन ऐसे भी प्रश्न आए कि भाई बैंक की एग्जाम है तो बैंकों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उस आइडिया से हमने लिखा है कि ये प्रश्न हेडक्वार्टर आरबीएल बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड पहले इसका पूरा नाम था इसका हेडक्वार्टर कहा है ये आपको बता रहा है इसका हेडक्वार्टर कहा है आपको बता है इसमें नया अपॉइंटमेंट हुआ है और इनमें इनके सीओ का टाइम बढ़ा दिया गया इनके सीओ का टाइम बढ़ा दिया गया है और इनके सीओ का टाइम क्या है और सुनीत दुबे ने आंसर दिया है और इनका आंसर है आपका मुंबई रत्नाकर बैंक मुंबई में बिल्कुल सही है बैंक कर्म और इसमें विश्ववीर 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 विश्व ये इसके इनका कार्यकाल नेक्स्ट थ्री इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सुमित वेरी गुड गुड आफ्टरनून तो ये आपको चूंकि सीईओ होते हैं बैंकों के अपॉइंटमेंट में उनका प्रश्न आता है और इसलिए इसका आंसर आपको बॉम्बे बॉम्बे है इसका बॉम्बे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए आपको बेंगलोर में तो आपको बहुत सारे बैंक मिलेंगे बेंगलोर में जो है आपके जितने आ, जितने बैंक जो प्राइवेट बैंक उनमें बहुत सारे बैंक है जो बैंगलोर में कनरा बैंक जो है कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपको बैंगलोर में आएगा चलिए नेक्स्ट चेन्नई में आपको पता है इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक इंडियन बैंक ये दोनों के हेडक्वार्टर आपको यहां मिलेंगे चेन्नई में तो प्रश्न आता है अब आपका नेक्स्ट और नेक्स्ट प्रश्न है आपका अपना बैंक टैगलाइन कौन से बैंक की है आपका अपना बैंक टैगलाइन कौन से बैंक की है तो आपको बताना आपका अपना बैंक कौन से बैंक की टैगलाइन है और ये बैंक भी आपको पता है ऐसी टैगलाइन जो मिली जुली होती है ये आपका आता है तो बताइए आपका अपना बैंक कौन सा है आपका अपना बैंक टैगलाइन कौन से बैंक तो ये बैंक तो सारे ही अपने हैं पर टैगलाइन ये किसकी है तो आरवीएल की है या ये तो कुछ गलत हो गया कोई बात नहीं है आ, कौन से बैंक की इसमें आपकी टैगलाइन ये बैंक ये जो है और ये जो है यहां पर बैंक का नाम आना था चलो कोई बात नहीं यहाँ बैंक का नाम है आप है तो कोई भी बैंक लिखिए यहाँ आई डी लिख लीजिए आई अब आपको बताना क्या ये आरबीएल बैंक की है या आई की है या इंडियन बैंक की है या ए बैंक की है आपको बताना है इसकी टैगलाइन किसकी है और पंकज सैनी का आंसर आ गया है पंकज सैनी का आंसर आ गया है आ, और ये आंसर सही है इंडियन बैंक जिसमें मर्जर हुआ है किस बैंक का अलाहाबाद बैंक का ये भी प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं अलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है इसकी टैगलाइन नई आई है इसलिए ये प्रश्न रखा गया है और ये आपका अपना बैंक इसकी टैगलाइन एयू बैंक की टैगलाइन आपको पता है चलो आगे बढ़ो एयू बैंक की टैगलाइन है चलो आगे बढ़ो और आईडीएफसी बैंक की है ऑलवेज यू कम फर्स्ट ऑलवेज यू कम फर्स्ट ये आपकी आईडीएफसी की है तो ये आपका टैगलाइन गया टैगलाइन का प्रश्न आगे आगे चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर ये सारी स्टैटिक जीके जो पेपर बैंक का पैट बैंक पेपर का पैटर्न होता है मैं उस आधार पर आपको बना रहा हूं और मैं उसमें से संभावित हैं लेकिन आपको पढ़नी तो सारी हैं तो उसमें से संभावित ही है चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपको पता है बैंकों को बार बार सरकार कैपिटल देती है और बैंकों को कैपिटल देती है क्योंकि आप जानते हैं बैसर कमिटी के अनुसार हर एक बैंकों को अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रखनी पड़ती है कैपिटल एडिक्वेसी का फुल फॉर्म है सी आर ए आर तो करार आपको पढ़ाए पढ़ाया था नाइन परसेंट एक बैंक कम सी टी वन रखनी है ढाई परसेंट सी भी रखनी है अब आपको बताना किस बैंक को इनमें से इस बैंक को कितनी कैपिटल दी है इसमें से पंजाब एंड सिंध बैंक को कितनी कैपिटल आपको सत्तर हजार के दो टुकड़े हैं अब जो लास्ट लैग आएगा चौदह हजार पांच सौ करोड़ का आएगा अब चौदह हजार पांच सौ करोड़ में से पंजाब एंड सिंध बैंक को कितनी कैपिटल दी जाएगी कितनी कैपिटल दी जाएगी ये आपको आंसर देना है और ये प्रश्न भी संभावित प्रश्न है पिछले एग्जाम के तहत देख लीजिए पिछले एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं कितनी कैपिटल दी जाएगी अभी सही आंसर आना बाकी है आप में से सही आंसर आना बाकी है बताइए तीन हजार 5,500, सौ चार हजार सौ हजार पाँच सौ हजार सौ और आपका आंसर आपको आइडिया नहीं है ये ये है अभी दिसंबर में ही ये बॉन्ड जारी किए हैं और ये जीरो कूपन बॉन्ड दिए हैं जीरो कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड ये बॉन्ड देके ये कैपिटल इंफ्यूज किए इस बैंक जीरो कूपन बॉन्ड पांच हजार पांच सौ करोड़ के 5,500 करोड़ के बॉन्ड दिए गए और उसके माध्यम से ये कैपिटल इन्फ्यूज की गए पंजाब बैंक आपको पता है पंजाब बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इनकी चर्चा भी है हो सकता है नए बजट में इनका प्राइवेटाइजेशन भी हो जाए बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इसलिए कोई खरीदेगा इस बैंक को तो कैपिटल एडिक देखेगा इसलिए इन बैंकों में कैपिटल बराबर कैपिटल एब रखी गई तो चलिए पांच हजार पांच सौ आंसर इज सी आंसर सी, पांच ये दे दी है, के माध्यम से, से। नेक्स्ट प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न हो सकता है ये आपका आखिरी और ये आपका प्रश्न है आपने देखा होगा कि जो एक्सरसाइज होती है डिफेंस एक्सरसाइज नेवी की हो एयर की हो एससी एक्सरसाइज का प्रश्न भी आता है तो आपको एक्सरसाइज याद करनी ये एक प्रश्न है लेकिन आपको एक्सरसाइज जितनी में है चाहे वो चाइना सी चाइना सी साउथ चाइना सी में हो क्वाड हो क्वाड का आपको पता है ये क्वाड जो है आपका चार देशों का क्वाड बनाता ये प्रश्न पिछले एग्जाम में आ चुका उस वक्त पढ़ा रहता और चार देश में पहले तीन थे अब चार हो गए इसमें यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया ये चार देशों का क्वेड बना लेकिन हर वक्त और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं कई देशों के रेगुलर होती है और ये एक्सरसाइज किस देश के साथ हुई है और अभी दिसंबर में ही हुई है इसलिए लेटेस्ट एक्सरसाइज आपकी चार से पांच दिसंबर के बीच में इंडियन नेवी और एक ने दूसरे देश की नेवी है उसके बीच में हुई है और ये आपको आपको बताना है और आपके आंसर आगे हैं शायद आपके आंसर है ये आपको के बीच में और रशिया और इनके बीच में हुआ है जापान जिम्मैक्स के नाम से होती है जापान में जिम्मैक्स जापान के साथ जिम्मैक्स यूएस से हमारी बहुत सारी है एक मलाबार भी है एक मलाबार भी है मालाबार ये भी एक्सरसाइज है जो यस इसके साथ होती है और इसका आंसर जो आपने दिया रशिया एंड दैट इज राइट आंसर दैट इज राइट आंसर आज का आखिरी क्वेश्चन ये भी एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन एक है आज का आखिरी क्वेश्चन भी एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडो इंड इंडो कोपाट एक्सरसाइज़ आपको है इंडोनेशिया और हमारे बीच में हुई है ये, दिसंबर में हुई है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में एक्साइज हुए और ये एक्साइज कितने नंबर की थी आपको बताया कितने नंबर की थी ये प्रश्न आज का है आखिरी प्रश्न है और इंडो कोपार एक्साइज अभी हुई है सत्रह दिसंबर से अठारह दिसंबर के बीच में ये एक्साइज हुए और ये इंडोनेशिया और इंडिया की बीच में हुई है इंडोनेशिया और तो आपको बताया कितने नंबर की एक्सरसाइज है और ये पेपर में आ चुका है पब्लिश न्यूज है और इसलिए ये रखी गई है और ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि अभी किसके बीच में है तो इंडोनेशिया के बीच में ही है अब आपको बता रहा है इंडोकोपाट एक्सरसाइज ये आपकी कितने नंबर की एक्सरसाइज है आई होप मुझे लगता है आपको शायद आइडिया नहीं है क्योंकि तो ये सत्रह से दिस, अठारह दिसंबर की एक्सरसाइज है और इसका आंसर आपने बिल्कुल दिया है पंकज सैनी का आंसर आ गया है और पंकज सैनी जो आंसर दिया है इसके अलावा भी और आंसर आने बाकी हैं और मुझे लगता है आपके आंसर सही हैं तो आपका आंसर थर्टी फिफ्थ पैंतीसवीं एक्साइज आंसर इसका डी है तो दोस्तों आज की जीके का जो आपको मैंने कराया ये स्टैटिक जीके है और पैटर्न इसमें आपको बोलना आ, और ये पैटर्न आपको बोलना है और ये पैटर्न आपको पैटर्न ही है प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे तो आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न मिले जुल हैं ये आपको आ सकते हैं तो आज का जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी वो शायद मंडे को होगी और मंडे को और ट्यूसडे को दो क्लासे और होगी जो सात दिन में हम पूरा आपका रिवीजन करा देंगे जिसमें आईपीबीएस के हिसाब से एस के हिसाब से और आपका आर के हिसाब से करा दी जाएगी कुछ प्रश्न जो आपके आर के हिसाब से नेक्स्ट एक्सरसाइज में करा दिए जाएंगे तो थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत फिर मैं कहता हूं आप में से जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब और एक चीज और अपेक्षा है मेरी कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी है और आपको मुझे उत्साहित करना है तो लाइक भी कर दीजिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच